इसराइल और हमास के बीच छिड़े महायुद्ध का 10वां दिन है आज। इस युद्ध ने दुनिया को एक बार फिर से दो हिस्सों में बांट दिया है और सबसे बड़ी हलचल उन इस्लामिक मुल्कों में महसूस की जा रही है जो इसराइल के बिल्कुल आसपास बसे हुए हैं। इसराइल ऐसा देश है जो चारों तरफ से मुसलमान देशों के बीच घिरा है और इसराइल की सेना या फिर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो उसकी धमक इन मुस्लिम देशों तक सुनाई पड़ती है। इस बीच इस्लामिक देशों के संगठन OIC को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। यह ऐसा संगठन है जिसमें 57 इस्लामिक देश आते हैं और जानकारी मिल रही है कि OIC ने बुधवार को मंत्री स्तर की बैठक बुलाई है। OIC की मुस्लिम देशों के संगठन की बुधवार को मंत्री स्तर की बैठक बुलाई गई है। सऊदी अरब की गुजारिश पर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में इसराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर चर्चा करने की तैयारी है। OIC की बैठक जो बुधवार को बुलाई गई है और इसमें इसराइल की सैन्य कार्रवाई जिस तरीके से जारी है गाजा पट्टी पर उसी को लेकर चर्चा होगी। 57 देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। OIC ने तनाव के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। तो जिस तरीके से OIC की ये बैठक जो बुधवार को होनी है और OIC की ये बैठक जो सऊदी अरब की तरफ से बुलाई गई है, मतलब अब तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। शांत रहने वाला सऊदी अरब भी इस युद्ध को लेकर अब सक्रिय हो गया है। क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान। हाल में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से उन्होंने बात की है और उनके अधिकारों के साथ सऊदी अरब खड़ा हुआ है ये भरोसा दिया है उन्होंने अब्बास को। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि कई और मुस्लिम देश हैं, वहां पर भी इसी तरीके की हलचल तेज है। तो मुस्लिम देशों में जो हलचल है उसी को लेकर जानकारी जरा आप तक पहुंचा देते हैं। कई मुस्लिम देशों में सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, अरब देशों को एकजुट करने की कोशिशें जारी हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो कई देशों का दौरा कर चुके हैं। इसराइल को बार बार चेतावनी जारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये मुस्लिम देशों में जिस तरीके की हलचल इस वक्त चल रही है उसी को लेकर पूरी जानकारी आपके सामने। और इस सब के बीच अब OIC की बैठक जो बुधवार को बुलाई गई है इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसनुल हक जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह जुड़ गए हैं सीधे एश्केलॉन से, युद्ध भूमि से, और अभिषेक उपाध्याय तेल अवीव से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको आशीष के पास लेकर चलेंगे और जरा आशीष से जानते हैं कि इस वक्त वहां पर सूरत हाल कैसा है। आशीष, क्या है अपडेट अभी का? देखिए, ऑन ग्राउंड प्रिपरेशन की बात करें रोमाना, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में नहीं हुई है। जिस तेज़ी से, जिस दर से उसके पहले 4 दिनों में हो रही थी, वो इसलिए दो वजह हैं। पहला कि जितनी तैयारी करनी थी लगभग परसों तक वो पूरी होती हुई दिख गई और वो ऐसी तैयारियां थी जो छुपाए नहीं छुपेगी इजरायली फोर्सेस द्वारा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्लोबल मीडिया का भी अटेंशन और साथ ही साथ जो तैयारी है जब आगे गाजा बॉर्डर के फॉरवर्ड एरियाज में की जाती हैं तो फिर वो दिखनी तय है। सैटेलाइट छोड़िए, वो तो कैमरे की नज़र से भी नहीं बच पाता और ये तैयारियां हमें दिख रही थी। अब उसके बाद में केवल और केवल सरकार के ऑर्डर का इंतज़ार है। मुझे नहीं लगता कि आर्मी को अब और भी ज़्यादा किसी तरह की तैयारी की ज़रूरत है। परफेक्शन के लिए तो जाहिर सी बात है कि फिर दिन क्या हफ्ते और महीने भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन जितना गाजा पट्टी पर जाने के लिए तैयारी की ज़रूरत होनी चाहिए उतनी पूरी कर ली गई है। इनफैक्ट मैं इस समय एश्केलॉन में हूँ, मेरे कैमरा मैन आपको मेरी दाएं तरफ पैन करके दिखाएंगे। और यहाँ पर अब जो सेकेंड और थर्ड स्टेप होता है जब भी कोई आप वॉर में जाएँ कोई भी देश, तो वो वाली तैयारी की जा रही है। वो वाली तैयारियों में क्या है, पावर स्टेशन को, पोर्ट्स को, जो भी आपके संवेदनशील इंस्टॉलेशंस होते हैं उन सबको सिक्योर किया जा रहा है। रोड के दोनों तरफ आपको दिखाई देगा, कैमरा मैन दिखाएंगे कि यहाँ पर इजरायली आर्मी के जवान लगभग 8 से 10 दोनों तरफ में हैं और उन्होंने इस रास्ते की घेराबंदी करके रखी है। थोड़ा सा हम मेरी बाईं तरफ आते हैं और आपको दिखाते हैं। वो घेराबंदी इसलिए है क्योंकि मेरे ठीक पीछे है एश्केलॉन का पावर स्टेशन और ये पावर स्टेशन लगातार हमास की तरफ से लाइन ऑफ फायर में रहा है।
क्योंकि उनमें उन्हें गुस्सा है कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही बंद कर दी गई थी इसराइल द्वारा, और इसीलिए जब भी यहां से आर्मी कूच करेगी इसराइल की गाजा की तरफ तो जाहिर सी बात है इस तरह के पावर स्टेशन, जो पोर्ट्स होते हैं, जो वाटर इंस्टॉलेशन होते हैं, ये सभी के सभी हमास की तरफ से रॉकेट अटैक में सीधे लाइन ऑफ फायर में आएंगे। आशीष रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं जनरल के सिन्हा का, और उनसे समझते हैं कि अभी इसराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। जनरल सिन्हा, जय हिंद रोमाना। देखिए रोमाना, सबसे बड़ी चुनौती तो वो 150 के आसपास में बंधक हैं जिनको उन्होंने छुड़ाना है, यदि वो नहीं मारे गए हैं या कोलैटरल डैमेज में उनका नुकसान हुआ हो। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये इंटरनेशनली है। देखिए 17 तो केवल यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक इसमें फंसे हुए हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए जो आप देख रही हैं, और मेरा लगातार पहले भी मानना रहा है कि ऑल आउट यू नो इसराइल को जाना और उसकी जरूरत भी नहीं है। एक सीज होता है, सीज ऑफ एक कोऑर्डिनेट सर्च होता है मिलिट्री ऑपरेशन में, सीजिंग ऑफ अ सिटी। तो इन्होंने एक बहुत बड़े इलाके को, देखिए टोटल जो गाजा पट्टी का इलाका है 41/10 किलोमीटर है, तो 21 किलोमीटर बाय यू नो आप सोचिए 10 किलोमीटर तो उन्होंने सीज कर रखा है। अभी खबरें आ रही है कि मेडिटेरियन की तरफ से भी कुछ कार्रवाइयां होंगी। केवल उन्होंने 10,000 फोर्सेस को ही यूटिलाइज करने की मंशा बनाई है। देखिए उनका सरमन मटकल जो उनका सबसे बड़ा फोर्सेस है, जो स्पेशल फोर्सेस है, उसके 2 बटालियन को उन्होंने शायद यू नो आप टास्किंग की है। एक अहम है, एक ऑस्किट यूनिट है, 2 यूनिटें हैं, और उनके साथ में डेल्टा है, नेवल सीन है यूनाइटेड स्टेट्स के। क्योंकि जब तक ये नहीं कंफर्म हो जाता कि ये लोग 150 किसी कारण से कंप्रोमाइज कर लिए गए हैं भाई यू नो हमास जी, तो ये ऑपरेशन इसी सीज एंड वेरी वेरी कैलकुलेटिव एक्शन से चलेगा। लगातार फायरिंग होगी हवा से, यू नो गोला बारूद मारेंगे जी, डेफिनेट इंफॉर्मेशन में। सर मैं लौटूंगी आपके पास, बड़ी जानकारी यहाँ पर देखिए, और बड़ा अच्छा विश्लेषण जो जनरल सिन्हा की तरफ से किया जा रहा है कि मत भूलिए वो 150 बंधकों वाला जो मुद्दा है वही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इसराइल के सामने है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है दक्षिणी गाजा बॉर्डर पर 5 घंटे सीज फायर रहने वाला है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा का जो दक्षिणी बॉर्डर है वहां पर 5 घंटे के लिए सीज फायर रहेगा। इजिप्ट की ओर से मानवीय सहायता भेजी जा सकेगी। इस दौरान 100 ट्रक्स के जरिए राहत सामग्री गाजा पट्टी के भीतर आएगी, करीब 1,000 टन राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी इजिप्ट के बॉर्डर पर। ये राहत सामग्री जो जमा है, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय सीधे तेल अवीव से इस वक्त जुड़ रहे हैं, और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बार बार बात उठाई जा रही थी, तो उसी के हल के तौर पर देखा जाएगा जिस तरीके से 5 घंटे का ये सीज फायर गाजा के दक्षिणी बॉर्डर पर और इजिप्ट से ये राहत सामग्री जो गाजा पट्टी पहुंचाई जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये कि सीज फायर इसलिए किया गया है कि ये लोग चले जाएं साउथ की तरफ और वहां पर सेफली पहुंच जाएं, और उसके बाद फुल स्केल अटैक होगा। देखिए मेरे साथ में एक सर्वाइवर हैं जो कि फराजा से निकले हैं, इनसे बात करना जरूरी है। रोमाना और फराजा वो जगह है जहाँ सबसे बड़ा नरसंहार किया है हमास के आतंकियों ने, इनसे बात। यू बिलोंग टू फराजा? या आई लिव देयर। अच्छा, योर नेम? एली। एली, व्हाट हैपेंड इन फराजा? एली मैसेकर, लाइक अ नाज़ीज ग्रुप्स, दे कम टू किल एवरीवन। कैन यू गिव मी द आई विटनेस अकाउंट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर? They penetrate to the village and they just start to shoot, throw RPGs, grenades on civilian buildings, on civilian houses. They just went house by house by house by house by house and did the cleansing. Just, it was a genocide. How far is Faraza from the Gaza border? Around 1 or 2 kilometers. Very, from my bedroom I could see Gaza very close. From your bedroom you can see Gaza. Yeah. And they also killed kids in Faraza? Kids. They killed whatever they can. They kidnapped a friend of mine, Agar Boudet, with their 3 little kids. They kidnapped them. God knows what is their situation. They killed teenagers. I showed you the photo of the family. How many people were killed in Faraza by them? I think
around 60 people, and there are missing people around 10, I think, and a lot of injuries. देखो तो आंखों देखा हाल बता रहे हैं ये इजरायली अभिषेक उपाध्याय. मैं लौटूंगी आपके पास, जो खुद फराजा में मौजूद थे जिस वक्त हमास के आतंकवादियों ने फराजा में मारकाट मचाई. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो सीजफायर का ऐलान किया गया है 5 घंटे के लिए, उसी को लेकर हमास की तरफ से कहा जा रहा है हमें इसकी जानकारी नहीं, ये कहना है हमास का. देखिए 5 घंटे के लिए सीजफायर किया गया है ताकि जो राहत सामग्री है वो मिस्र की तरफ जो राफा बॉर्डर है वहां से गाजा पट्टी में पहुंचाई जा सके, लेकिन अब इसी को लेकर जो आतंकवादी संगठन हमास है उसकी तरफ से कहा जा रहा है हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है. और इस बीच एक और बड़ी खबर यह सामने आ रही है, उत्तरी बॉर्डर वहां इसराइल ने नई तैयारी की है. 2 किलोमीटर तक का इलाका खाली करवाया जा रहा है, बॉर्डर के आसपास निवासी नहीं रहेंगे. हम सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे लगता है सैयद हसनुल हक का हम रुक करेंगे. ये 5 घंटे के लिए एक तरफ कहा जाता है कि साहब सीज फायर रहेगा, और वहीं हमास कह रहा है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है. आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? क्या कह रहा है अगर या फिर क्योंकि सीज फायर का मामला हो रहा है कि सीज फायर सामान जाएगा और वहां के लोगों को पता नहीं है, हमास के लोगों को ये तो उनकी इंटरनल बातें हैं. सबसे बातें ये बताना चाहूंगा, लगातार लोग बोल रहे हैं फिलिस्तीनी हमास आतंकवादी, हमास आतंकवादी, ये नैरेटिव किसने तय किया? एक तरफ से मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा मैं कि जो जितने भी लोग इसराइल और फलस्तीन में मारे गए हैं बेकसूर और मजलूम, उनके लिए मेरे दिल में संवेदनाएं, जो भी लोग बड़े बूढ़े मजलूम बच्चे जो भी मरे हैं. लेकिन आप देखिए, एक तरफ से कहा जा रहा है सिर्फ हमास आतंकवादी, इसराइली आतंकवादी क्यों नहीं कहा जा रहा, जो लगातार 1948 से लेकर 2023 तक लोगों को मारता जा रहा है. इसराइल की 100% जमीन थी, वो आज 12% रह गई है 1947. हसनुल हक साहब, आपके हिसाब से तो तय नहीं होगा ना कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है. हमास आतंकवादी संगठन है जिसने इसराइल में घुसकर निहत्ते लोगों पर निशाना साधा, और उसी के बाद का ये रिएक्शन है जो इसराइल की तरफ से किया जा रहा है. आप इसको अपने नजरिए से, अपनी सहूलियत के नजरिए से कैसे देख सकते हैं? 2008 से लेकर 2023 की रिपोर्ट में मैं बता रहा हूँ मैडम आपको, 2008 से लेकर 2023 तक लाखों लोगों को मारा. सर अभी 2023 की बात कर ले, जब इसराइल के निहत्ते नागरिकों पर गोलियां बरसाई जाएंगी, उनको मारा जाएगा, और 1300 से ज्यादा नागरिक जिनको मार दिया, और अपने साथ 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बना कर ले गया हमास आतंकवादी संगठन, तो फिर उस पर तो एक्शन होगा ना सर, छोड़ दिया जाए उसको, कोई एक्शन ना लिया जाए. आपने कहा, मैंने शुरुआत से कही थी कि अगर कोई भी बेकसूर मजलूम अगर किया हुई कोशिश, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, और उन तमाम परिवार वालों के लिए मेरे दिल में संवेदनाएं हैं. मेरे दिल में संवेदनाएं उन लोगों के लिए भी है. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तरी गाजा बॉर्डर पर इसराइल ने नई तैयारी कर ली है. ये जो उत्तरी गाजा बॉर्डर है, यहाँ पर 2 किलोमीटर तक का इलाका खाली होगा, बॉर्डर के आसपास निवासी नहीं रहेंगे, ये है इसराइल की बड़ी तैयारी. 2 किलोमीटर तक का इलाका खाली होगा, उत्तरी गाजा बॉर्डर पर इसराइल की नई तैयारी. दो किलोमीटर तक का इलाका खाली किया जाएगा, बॉर्डर के आसपास निवासी नहीं रहेंगे, ये उत्तरी बॉर्डर पर इसराइल की तरफ से तैयारी की जा रही है. और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, इसराइल हमास जंग को लेकर कल इसराइल जाएंगे जर्मन चांसलर. ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जर्मन चांसलर इसराइल जाएंगे, ओलाफ स्कॉल्स वो कल इसराइल जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है. और आप जानते हैं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई थी कि विचार कर रहे हैं जो बाइडेन भी इसराइल जाने पर. इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री रक्षा मंत्री दोनों इसराइल जा चुके हैं. और एक और जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, वो ये कि इस्लामिक देशों की एकता को चीन ने समर्थन दे दिया है.
इस्लामिक देश की एकता को हमारा समर्थन, ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है। मतलब चीन की मोर्चाबंदी लगातार जो इस्लामिक देश उनके साथ होती हुई नजर आ रही है। चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनका ये बयान सामने आया है कि इस्लामिक देशों की एकता को हमारा समर्थन। ओआईसी की बैठक बुलाई गई है, इस्लामिक देशों का संगठन है, 57 देश हैं उसमें, उनकी बुधवार को बैठक बुलाई गई है। और अब चीन की तरफ से ये बयान कि इस्लामिक देशों की एकता को हमारा समर्थन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह बयान जारी किया है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में मरने वालों का आंकड़ा सामने आया है और ये बहुत बढ़ गया है। गाजा में अब तक 2,750 लोगों की मौत हो चुकी है। ये है गाजा में मरने वालों का नया आंकड़ा। तो लगातार मरने वालों का आंकड़ा गाजा पट्टी में बढ़ता हुआ और अभी आंकड़ा बढ़कर 2,750 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही घायलों का आंकड़ा जो है गाजा में वो करीब 10,000 के आसपास पहुंचता हुआ, 9,600 के आसपास घायल बताए जा रहे हैं गाजा पट्टी में, जो नया आंकड़ा सामने आया है। और मरने वालों का आंकड़ा 2,750 पर पहुंच गया है। लगातार इसराइल की तरफ से स्ट्राइक्स जो गाजा पट्टी पर की जा रही है।